हेलो गाइस, अमेज़न ने लॉन्च कर दिया आज बहुत ही कमाल का ऑफर, जिसमें अमेज़न हमें दे रहा है 250 रुपए तक का कैशबैक। ये 250 रुपए तक का कैशबैक आपको किस तरह से मिलेगा, ये सब कुछ जानने के लिए आज इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें अपने अमेज़न ऐप को ओपन कर लेना है। अमेज़न ऐप को ओपन करने के बाद हमें यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है अमेज़न पे का। अमेज़न पे के ऑप्शन पर हमें चले जाना है। यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हैं मेरा जो अमेज़न पे बैलेंस है वो 10 रुपए है, मतलब 10 रुपए हमारे अमेज़न पे में पड़े हुए हैं। अब जैसे यहाँ पर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पर हमें एक ऑफर मिल जाता है अप टू 250 बैक सेंड मनी और स्कैन QR पावर्ड बाय UPI। हमें इस ऑफर पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें दो ऑप्शन मिल जाते हैं, सेंड मनी इंस्टेंटली टू फ्रेंड एंड फैमिली, मतलब आप मनी सेंड कर सकते हैं इंस्टेंटली अपने फ्रेंड या अपनी फैमिली को। यहाँ पर आप बैंक अकाउंट डिटेल डालकर मनी सेंड कर सकते हैं UPI से। जरूरी नहीं आप अपने फ्रेंड या फैमिली को ही करें, आप अपना दूसरा बैंक अकाउंट में भी आप पैसे ट्रांसफर करके इस ऑफर का फायदा आप ले सकते हैं, या फिर आप नियर बाई स्टोर में UPI QR कोड स्कैन करके पे करके अगर आप पेमेंट करेंगे तब भी आप इस ऑफर का बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अब नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पर हमें इसकी ऑफर डिटेल दिख जाए। ये जो ऑफर है ये 1 जून से 10 जून तक वैलिड है और ये जो कैशबैक है ये 15 रुपए से 250 रुपए तक मिलेगा और मिनिमम ट्रांजेक्शन आपकी 250 रुपए की होनी चाहिए इस ऑफर का फायदा लेने के लिए, और जो कैशबैक होगा वो आपके अमेज़न पे बैलेंस में 2 दिन के अंदर क्रेडिट कर दिया जाएगा, लेकिन ये इंस्टेंटली क्रेडिट कर दिया जाता है। तो चलिए यहाँ पर हम अपने बैंक अकाउंट में ही पैसा भेज लेते हैं। यहाँ पर सेंड मनी के ऑप्शन पर हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, सेंड टू अ कॉन्टैक्ट, सेंड टू UPI ID और सेंड टू बैंक अकाउंट। यहाँ पर हमें सेंड टू बैंक अकाउंट पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर हमें अपनी बैंक अकाउंट डिटेल डाल देनी है जिस बैंक अकाउंट में हम अपना पैसा भेजना चाहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने अपनी बैंक अकाउंट डिटेल एंटर कर ली है। अब यहाँ पर हमें प्रोसीड टू सेंड मनी ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर अमाउंट एंटर कर देना है। यहाँ पर हमें मिनिमम 250 रुपए अमाउंट एंटर करना है, अगर हम इससे कम सेंड करते हैं तो हमें इस ऑफर का फायदा नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर हमें सेंड मनी ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें अपना UPI पिन एंटर कर देना है। तो चलिए यहाँ पर हम अपना UPI पिन एंटर कर देते हैं और उसके बाद हमें यहाँ पर टिक बटन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जो अमाउंट है वो सेंड हो चुका है हमारे बैंक अकाउंट में। अब यहाँ पर हमें 3 लाइन पर क्लिक करके अमेज़न पे वाले ऑप्शन पर चले जाना है। यहाँ पर आने के बाद मैसेज भी आ चुका है कि मैंने अपने 250 रुपए सेंड किए हैं किसी दूसरे बैंक अकाउंट में। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे जो अमेज़न पे बैलेंस है वो 80 रुपए हो चुका है। पहले के मेरे 10 रुपए मेरे अमेज़न पे बैलेंस में पड़े हुए थे और हमें यहाँ पर 70 रुपए का कैशबैक मिल चुका है, जो कि हमारा टोटल अमेज़न पे बैलेंस 80 रुपए हो चुका है। तो इसमें आपको 15 रुपए से लेकर 250 रुपए तक का कैशबैक मिलता है, मुझे यहाँ पर 70 रुपए का कैशबैक मिला है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपको अमेज़न पे से एक ही बार मनी सेंड करना है, चाहे वो आप बैंक अकाउंट में करें या फिर आप QR कोड स्कैन करके करें, आपको एक ही बार कैशबैक मिलेगा 15 रुपए से लेकर 250 रुपए तक का। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। थैंक यू।